ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार, यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता में बहुत ही स्पष्टता से परमात्मा का परिचय मिलता है, मगर वो परिचय वहां होते हुए भी फिर भी हम परमात्मा के बारे में, हमारे ज्ञान के बारे में एकमत क्यों नहीं होते? इसी विषय पर आज हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। हम बहुत समय से सुनते आए हैं, परमात्मा को अलग अलग नामों से पुकारते आए हैं, परमात्मा के जो मंदिर भी बनाए जाते हैं तो हम अलग अलग नाम से मंदिर स्थापित करते हैं, जब हमें पता है कि वही स्वरूप है, वही मूर्ति है, फिर भी हम नाम अलग रख देते हैं। एक प्रश्न उठता है, जब परमात्मा एक है, हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, मानते भी हैं, गाते भी हैं, तो फिर हमने ये अलग अलग नाम क्यों रखे? किसी भी व्यक्ति का एक ही नाम होता है, हम सभी जानते हैं। जैसे लक्ष्मी नारायण के नाम की बात की जाती है तो ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, मगर जब परमात्मा के बारे में सोचा जाता है तो परमात्मा के अनेक नाम गाए जाते हैं, लोग अलग अलग नाम से रख लेते हैं, शायद इसकी वजह से वो एकता फिर बढ़ जाती है। यानी परमात्मा के बारे में सही ज्ञान ना होने का एक मुख्य कारण ये भी है, अगर कोई एक व्यक्ति है उसका एक नाम क्यों रखा जाता है? जैसे हम श्री लक्ष्मी को श्री लक्ष्मी ही कहते हैं, क्योंकि उस नाम से उसकी आइडेंटिटी बनती है। मुझे ब्रिज मोहन कहते हैं, अब मैं अनेकों से अनेक संबंधों में आऊंगा, किसी का मैं भाई हूँ, किसी में बाप हूँ, और गीता भी यही कहती है कि परमात्मा के संबंध तो अनेक हैं, माता पिता, बंधु, सखा, शिक्षक, स्वामी, सतगुरु, परम पिता, अनेक नाम। तो अगर एक नाम रहता है तो सब उसको उस नाम से पहचानते हुए फिर जिस संबंध में उसके साथ आना होता आते हैं। ऐसे डेजिग्नेशन भी होता है, भारत का राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति एक ही है, सबको पता लग जाएगा ये राष्ट्रपति है, इसका घर है, फिर उसको जिसने जिस संबंध से मिलना है, कोई राजदूत आता अपना क्रेडेंशियल पेश करने, वो अलग बात है। यहाँ हुआ ये है, वास्तव में परमात्मा का एक नाम इतना पक्का एक नाम है कि हमारे नाम तो बदलते भी रहते हैं, हमारी आयु भी बदलती रहती है, वो एक ही है, फिर भी हमने क्या किया है, एक तो उसको एडजेक्टिव से संबोधित किया है, भगवान, ईश्वर, प्रभु, हरि इत्यादि इत्यादि। गीता को ले लीजिए, अर्जुन ने भगवान को कितने नामों से संबोधित किया है, कभी केशव कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है, तो इससे लोग जो है उस बात को पकड़ कर के केशव कौन है, ऐसे अनेक उसमें उपाधियां दी, फिर वो लिमिट में आ जाते हैं। अच्छा, आगे चलिए कि परमात्मा के मंदिर हैं, एक ही निराकार के मंदिर हैं, वो इतना क्लियर बात होती कि निराकार के मंदिर हमेशा देवी देवताओं से अलग बनाए जाते हैं, कि ये देवी देवता हैं, ये परमात्मा है, ये महात्मा है, उस एक मंदिर के ऊपर भी अनेक नाम दे दिए, कहीं परमात्मा के किसी कर्तव्य का नाम दे दिया, कहीं परमात्मा से किसी कर्तव्य का। अब जो उस मंदिर में जाता है उसको एक बात तो समझ में आती है, लेकिन जो बाकी उससे कनेक्टेड बातें हैं वो भूल जाती हैं, इसलिए और कन्फ्यूजन पैदा होता है।
अब मान लीजिए हम कहते हैं परमात्मा को अमरनाथ भी कहते हैं, विश्वनाथ भी कहते हैं, जगन्नाथ भी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं, अच्छा ओमकारनाथ भी कहते, कितने सारे नाम हैं। अब कोई व्यक्ति एक मंदिर में जाएगा, एक नाम से देखेगा तो उसको कंप्लीट बताने के लिए कोई कथा बना देंगे। रामेश्वर भी कहते हैं, अब देखिए राम को भी भगवान का अवतार माना जाता है और राम परमात्मा को राम ईश्वर भी कहा जा रहा है, गोपेश्वर भी कहते हैं। तो उसकी विविधता के कारण और भी कंफ्यूजन हो गया। अगर उससे आप और आगे बढ़े तो उसके अनेक प्रकार के संबंध हैं, और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। भक्तों का भी वो भगवान है। इस भाव से अगर एक नाम होता, एक भगवान है, उसका एक नाम होता, एक रूप भी होता, फिर उसके साथ डिफरेंट कर्तव्य। एक परमात्मा के अनेक नाम और अनेक रूप बताने से कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ एक एक्सट्रीम है कि परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, बहुत सारी भी एक दूसरे एंगल से कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अब ये भी रॉन्ग है क्योंकि उसका शारीरिक नाम रूप नहीं है, पर कोई एग्जिस्टेंस है, एंटिटी है, उसका अपना स्पिरिचुअल या अव्यक्त या ज्योति का निराकारी नाम रूप है, वो निराकार को समझते नाम रूप ही नहीं। और दूसरी एक्सट्रीम पे यहाँ तक चले जाते हैं सभी नाम रूप परमात्मा के हैं। इस ये भी एक कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण बन गया। कहीं कहीं तो हम ये कह रहे हैं, बट साथ साथ जब हम ये कह रहे हैं कि परमात्मा अलग अलग नाम रूपों में विद्यमान है, फिर हम कह देते हैं सभी में परमात्मा है, फिर तो हर जगह परमात्मा का वास होने लगता है। केशव कहते हैं, कहीं जनार्दन कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति एक की इतने यादगार होते हुए भी और अलग अलग के अलग अलग स्मारक हैं, फिर भी ऐसा कंफ्यूजन किया गया है कि होते 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 आखिर मनुष्य जहाँ उसकी बुद्धि टिकती है, कोई शंकर जी को शिव मान रहा है, है ना, कोई शिवो हम ही कह रहा है, तो भाव यह है, ये हो गया। तो फिर ऐसे में परमात्मा का जो एक नाम है, स्वरूप तो हमने देख लिया कि हर जगह शिवलिंग के रूप में प्रतिमा हम देखते हैं, निराकार की प्रतिमा हर मंदिर में, भले अलग अलग नाम है, सोमनाथ है, वैद्यनाथ है, अमरनाथ है, मगर पूजा उसी शिवलिंग की हो रही है, तो उसमें से एक नाम क्या होना चाहिए, क्या परिचय देते हैं परमात्मा उस एक नाम के बारे में? वो खुद कहते हैं आखिर कि मेरा परिचय मैं ही देता हूँ और मेरा नाम किसी ने रखा नहीं है। अन्य के नाम कोई ना कोई रखता है, माता पिता रखता है, गुरु रखता है, तो मेरा नाम मैंने स्वयं ही रखा है ताकि आइडेंटिफाई हो सके। और मेरा स्वयं उद्घोषित नाम शिव है, भगवान ने कहा, और शिव नाम उद्घोषित है, और भारत में शिव को ही परमात्मा कहते हैं। आप देख लीजिए अनेक नाम रखे, जैसे हरि, अच्छा हरि उसका एक आस्पेक्ट है कि दुख हरता है, लेकिन सुख करता भी तो है, वो सारा पोर्शन मिस है। क्या दुखी हरता है क्या? वो तो सुख भी करता है, मेन काम तो उसका सुख करना है। अब सुख हो जाएगा तो दुख कहाँ रहेगा? तो इसी प्रकार से अलग अलग नाम रखे हुए, यहाँ तक कि ओम भी नाम भगवान का रख दिया, अच्छा, और ओमकार उसको कहते हैं। अब ओम तो एक फिगर है, एक सिर साउंड है, तो वो कैसे फिर उसका रूप कहाँ गया? तो भगवान कहते हैं खुद कि मैं अपना स्वयं उद्घोषित नाम शिव है, और उसके साथ फिर लोगों ने जोड़ा हुआ है सदाशिव। अब सदाशिव का मतलब है अन्य सब बदल जाते हैं, वो शिव ही रहता है। हम लोग भी अपने पिछले आज इस जन्म में हमारा ये नाम है, मान लीजिए मैक्सिमम हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में हमारा नाम अलग अलग हो गया है, लेकिन इस जन्म की आइडेंटिटी के लिए तो एक नाम है ना, उसके बाद संबंध है। तो एक तो नाम, दूसरा रूप होना चाहिए जी। ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं किसी से कनेक्ट होने के लिए। किसी कुमारी कन्या को आप कहो अपने होने वाले पति को याद कर, किसको याद करे, है ना? इसलिए भगवान का, कई कहते हैं भगवान के नाम की जरूरत ही क्या है, लेकिन जब तक उसका नाम नहीं होगा उसकी कॉग्निजेंस होगी नहीं, और उसकी शक्ल भी पता होनी चाहिए। अगर ये दो बातें पता लग जाएं तो व्यक्ति का कंसर्न पैदा हो जाता है, याद कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कन्या को बताया जाए
कि तेरे होने वाले पति का नाम राजकुमार है, उसकी शक्ल फोटो नहीं दिखाई, कुछ नहीं दिखाया, नाम पता लग गया, और वो बॉम्बे में रहता। बस अब बॉम्बे में कोई भी घटना होगी, मान लो बॉम्बे में फ्लड आ जाता है, तो उसको कंसर्न होगा कि मेरे पति के शहर में फ्लड आ गया है, वो तो नहीं उसमें उसको कंसर्न हो। या बॉम्बे में न्यूज आ जाती है कि कोई राजकुमार व्यक्ति था वो ट्रेन से प्लेटफॉर्म पे गिर गया, अब उसको ये नहीं हजार राजकुमार हैं, उसका कंसर्न होगा कि वो राजकुमार तो नहीं गिर गया। ये कॉग्निजेंस इम्पोर्टेंट है। तो ये पहचान परमात्मा की बहुत इम्पोर्टेंट है, और सही नाम और सही रूप को जानने से परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने में, उन्हें याद करने में आसानी होती है। अब गीता के बारे में लेते हैं, तो गीता में परमात्मा अपना परिचय बताते हैं। वहां पर जैसे आप ये बोल रहे थे कि परमात्मा के नाम में हरि कहा जाता है कि वो दुख हरने वाले हैं, तो गीता में एक प्रश्न उठता है कि परमात्मा के कर्तव्य के अनुसार, हम परमात्मा के अलग अलग नामों से हम जानते थे, बट सुखकर्ता के रूप में क्या गीता कुछ स्पष्टीकरण देती है? क्योंकि पहले तो हमने ये बात समझ ली कि हम श्री कृष्ण को गीता का भगवान नहीं कह सकते क्योंकि वो एक देहधारी हैं, मगर फिर भी श्री कृष्ण का नाम जोड़ा गया है, तो क्या गीता के ज्ञान से श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति बनता है? क्या परमात्मा ये कर्तव्य करते हैं? पहली बात, अगर किसी ने परमात्मा का नाम जानना है या परमात्मा कौन है वो जानना है या क्या करता है, तो कौन सी बुक पढ़ेगा? सैकड़ों हजारों किताबें हैं। अन्य धर्मों को तो आसानी से आप आउट कर सकते हैं कि भी बाइबल में क्राइस्ट के महावाक्य हैं, तो क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है, उसमें गॉड का परिचय नहीं है ये उसके। लेकिन भारत में आ जाओ, अनेक पुस्तकें हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, अनेक हैं। हम प्राउड हैं कि हमारे तो, कोई पूछे आपका धर्मशास्त्र कौन सा है तो हम बड़े फख्र से कहते हैं हमारे तो इतने, वो ठीक है। लेकिन अगर किसी ने परमात्मा के बारे में जानना होगा, पहले ये देखेगा कि भगवानोवाच किस में है, कि कोई ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवानोवाच लिखा हो, है तो गीता आती है। अब दूसरी बात ये कि भगवानोवाच तो गीता में है, लिखा हुआ टाइटल, लेकिन गीता लिखी किसने, वो किसी दूसरे ने लिखी है, तो जरूर फर्क हो गया। बिल्कुल। अदरवाइज अगर भगवानोवाच हूबहू रिकॉर्ड करके उसमें होता तो नीचे लिखा नहीं होता कि इस व्यक्ति के उसमें ऐड हो गया जी। तो ये गड़बड़ है। लेकिन फिर भी अगर किसी ने भगवान के इर्द गिर्द भी घूमना हो उसका, तो गीता में जाएगा भगवानोवाच। अब उसमें जरूर जिसने भी लिखा है कुछ ना कुछ सेंस पकड़ के लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पकड़ सका वो, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आती, वरना 18 अध्याय की जरूरत नहीं थी। आप 18 पेज में सारे गीता का जो सार है कि ये है ये है ये है, तो हर बात में भगवान कह रहा है और अर्जुन उस पर डाउट कर रहा है। हे भगवान, आप ऐसे कह रहे हो, ये तो प्राय लुप्त हो गया आदि आदि, मैं तेरे, आपका तो जन्म अभी रिसेंटली हुआ है, मेरा भी बॉडी में रिसेंटली हम आए हैं, तो फिर ये इतने युगों की क्या, तो डाउट हो रहा है हर बात पे उसको डाउट हो रहा है, और होते 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 कितना लंबा टाइम लग गया। वजह क्या है? भगवानोवाच परिचय उसमें है, लेकिन परिचय को गुम कर दिया। भगवान जगह जगह कहता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ वैसे ही मुझे जान, कितना इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि भाई देवता भी तो ऊंचे ही हैं, देवता भी तो बड़े हैं, इतने माने हैं, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, अगर भगवान के मंदिर हैं तो उससे ज़्यादा तो देवताओं के मंदिर हैं, तो वो भी भगवान जैसे ही हो गए। हम उनको कहते भी हैं भगवान के साथ भगवतियाँ जोड़ देते हैं, लेकिन क्या एक नंबर पे फर्क पड़ने से आप किसी के साथ टेलीफोन लगा सकते हैं? नहीं। आपकी लॉटरी में लास्ट डिजिट मिस हो जाए आपको कितना दुख होता है कि देखो भाई यहाँ तक मैं पहुंच गया। जब वो कहते हैं जो हूँ जितना हूँ, परमात्मा को जानना है, शिव को जानना है, तो वो कहते हैं मैं ही बताऊंगा, दुनिया में भी मेरे बारे में एग्जैक्ट कौन बता सकता है 100%, मेरा साथी दोस्त भी नहीं बता सकता, मेरे पिताजी नहीं बता सकते। इसलिए भगवान के इम्पोर्टेंट कहता है कि मैं हूँ, और मेरा नाम और मेरा स्वरूप ये पता लग जाए तो मेरे कर्तव्य आप पे पता लग जाएंगे। आपने प्रश्न ये किया
कि क्या कहीं ऐसा भी है गीता में कि भगवान सुख करता। अब आप गीता के भगवान के अपने महावाक्य देख लीजिए, मैं क्या करने आता हूं, मैं अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना करने आता हूं। और यहां तक कहा गया कि सब धर्मों को छोड़ दो, सर्वधर्मान परित्यज, यानी एक व्यक्ति का तो एक धर्म होगा, वो उस धर्म की बात नहीं हो रही हिंदू मुस्लिम की, अर्थात जिसको तुम धर्म मान रहे हो सारा ही गलत है, वो अधर्म है, नाम उसका धर्म है। भगवान कभी कहेगा धर्म को छोड़ दो? नहीं। दुनिया में कोई किसी को कहे धर्म को छोड़ दो, धार्मिक ग्रंथ में कहे, तो उसको क्या समझेंगे? ये तो कोई नास्तिक है, धर्म का खराबी कर रहा है। खुद भगवान कह रहे सर्व धर्म मान के जिसको तुम धर्म मानते आए हो वो धर्म नहीं रहा, बल्कि वो अधर्म है, इसलिए मैं उसका समाप्ति करके धर्म के, अब जो सत्य धर्म की स्थापना करेगा वो सुख देने वाला होगा या दुख देने वाला? गीता खुद कह रही है स्व धर्म सुख देने वाला है, पर धर्म दुख देने वाला है। चाहे कितने भी पर धर्मों में तुम्हें सुख नजर आए वो दुख है। अर्थात पर धर्म माने प्रकृति तव धर्म, जो तुमने शरीर के साथ संबंध करके धर्म जोड़े हुए, कहते ना मेरा ये फर्ज है, मेरा ये धर्म है, मेरा बच्चों की पालना धर्म है, ऐसा है। तो भगवान कहता है यहाँ तक तो कह देते पतित बनना भी मेरा धर्म है, कोर्ट में चले जाते हैं, कंजुगल राइट्स होना चाहिए, अब बताइए कि धर्म है? तो भगवान इसलिए कहता है कि मेरा दूसरा नाम पतित पावन है, या तो आप अधर्म और धर्म का शब्द ले लें या पतित पावन। पतित मैंने दुखी, पावन मैंने सुखी, तो भगवान पतित को पावन बनाते तो सुख धाम स्थापित करता। वैसे भी कहा जाता है कि ये गीता का ज्ञान नर को नारायण, नारी को श्री लक्ष्मी बनाने वाला। गीता में ये भी लिखा हुआ अगर तुम विजय को प्राप्त करेगा तो तुम राजा ही भोगेगा। तो राजा ही, तो कौन सी राजा ही भोगेगा, इस दुनिया में तो राजा ही है ही नहीं। अर्थात अपने ऊपर भी राज्य करेगा और विश्व पर भी। तो ये सारे निशानियां हैं कि भगवान ने सुख की दुनिया बनाई, दुख की दुनिया की समाप्ति। जब आप ये बात कहते हैं तो परमात्मा का एक कर्तव्य स्पष्ट होता है कि परमात्मा पतित पावन है, उनका नाम एक है, उनका रूप एक है, उनका कर्तव्य भी एक है कि वो पतितों को पावन बनाते हैं, दुखों को हरते हैं। उसी बात को हम अलग अलग शब्दों में कह रहे हैं, तो ऐसे में परमात्मा उस सत्युगी दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं, कैसे वो पतितों को पावन बनाते हैं, कैसे जो पतित है कि नाम के बारे में कन्फ्यूजन पैदा हुआ, रूप के बारे में कन्फ्यूजन पैदा हुआ और कर्तव्य के बारे में कन्फ्यूजन पैदा हो गया। शब्द है पतित पावन, ठीक है। अब उन्होंने समझ लिया पावन कि भगवान पावन ही करता है ना, तो पावन के पीछे लग गए कि भाई देखो श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण भगवान के अवतार, श्री राम 14 कला संपूर्ण भगवान के अवतार। क्योंकि पावन का अर्थ नहीं समझते कि वो पावन है, वो तो भगवान ने बनाए हैं देवता, उनको पतित पावन गिनना शुरू कर दिया कि श्री राम भी श्री कृष्ण भी पतित पावन है, इसलिए गीता पे नाम जोड़ दिया। फिर यहाँ तक नहीं, भगवान ने ज्ञान सुनाया तो ज्ञान को अमृत गिनकर नदियों को पतित पावनी कह दिया, पतित पावन सीताराम, पतित पावनी गंगा, पतित पावन भगवान। वो जो शिव है उसको छोड़कर सबको पतित पावन, यानी पावन को पतित पावन कहना शुरू कर दिया। ये कन्फ्यूजन देख लीजिए। और इसकी वजह से परमात्मा के कर्तव्य को जहाँ समझने चाहिए था वो हम भूल गए और हमें लगा कि बस यही सब करने से हम पावन हो जाएंगे। तो ना तो पतित पावन करने वाले के रूप को जानते हैं, ना उसके नाम को जानते हैं, ना उसके कर्तव्य को। भाई एक सेब दूसरे सेब को थोड़ी पैदा कर सकता है, वो तो पावन है सारे देवता इसी, और हमने कहना शुरू कर दिया पतित पावन है। तो इसलिए भगवान कहता है कि एक गलती से सारी गलतियां हो गई। और गीता में सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो इतना कंफ्यूज्ड है कि लिखने वाला खुद भी ऑथर है वो भी कंफ्यूज है। अच्छा ये सब कुछ है, पतित से पावन करने का कोई समय होगा? पावन को तो पावन नहीं करेंगे। तो मेन बात है कि भगवान किस समय अपना सत्य परिचय देगा इतने कंफ्यूजन में, तो वो भी गायब है। इसलिए वो कह देते हैं गीता किसी वक्त भी कोई भी गीता पढ़ ले, वो उसका कल्याण हो जाएगा। तब भगवान कहता है कि एक छोटी सी मिस्टेक से ये सारी मिस्टेक हुई है
और पहली बात यह कि अपने को ही नहीं जानते। और यहाँ ये बहुत ही स्पष्टता से पता चलता है कि जो पावन देवी देवता हैं, उनके लिए गीता में गायन है कि देवी संपदा वो पावन है और उन पावनों को हमने पतित पावन समझ लिया। ऐसे में परमात्मा के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है, परमात्मा को त्रिमूर्ति कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा वो काम करवाते हैं। तो ऐसे में पतित पावन, पतितों को पावन बनाने का काम वो ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा कैसे करते हैं, इसके बारे में कुछ स्पष्ट। देखिए कि तीन तो भगवान हो नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा एक है। एक है, अब परमात्मा निराकार, ये तीनों निराकार नहीं है, इनके आकारी रूप है। इनको किस रूप से लोग याद करते हैं? ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, ब्रह्मा को गुरु कहा गया है, विष्णु को भी गीता का ही बताने वाला कहा गया, उसके मुख से निकली थी तो वो भी गुरु हो गया, शंकर को भी गुरु गिनते हैं, तो ये तीनों को गुरु गिनते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान कहता है कि इन तीनों का तो मैं क्रिएटर हूँ और तीनों के द्वारा मैं अलग अलग कर्तव्य करवाता हूँ। देव देव महादेव, ये देवता नहीं है, आदि देव है ब्रह्मा जी। शंकर जी को महादेव कहा जाता है और विष्णु के तो दो रूप दिखाए जाते हैं। तो सार ये है कि परमात्मा निराकार, उसको कर्तव्य कराने हैं तो निराकार रूप में तो नहीं करवाते हो, क्योंकि बीज है, जैसे बीज को स्प्राउट होगा, जड़ बनेगी तो कुछ आगे बढ़ेगा। तो परमात्मा की फर्स्ट क्रिएशन कहते ना भगवान की रचना, तो भगवान की रचना क्या है? भगवान की रचना कोई बड़ा हुआ पेड़ नहीं है, एक सूखा हुआ पेड़ है, खूब फैला हुआ है। कोई कहे इसको बीज ने रचा था तो कोई दिखता ही नहीं है। तो जो फर्स्ट रचना है, क्योंकि बीज से फर्स्ट रचना क्या हुई, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। और ये सर्व मान्य है कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही भगवान ने स्थापना की, ब्रह्मा जी के द्वारा विनाश नहीं किया, विष्णु के जी के द्वारा ही पालना की, विष्णु जी के द्वारा ना स्थापना की ना विनाश किया, इस तरह से है। तो इनके द्वारा मुख्य अब स्थापना पालना विनाश किस चीज का, इससे आपको पता लग जाएगा। भगवान कह रहा है मैं सत्य धर्म की पुनर्स्थापना करवाने आता हूँ, कौन करेगा? ब्रह्मा जी के द्वारा। मैं अधर्म का विनाश करवाने आता हूँ, किसके द्वारा कराएगा? शंकर जी के द्वारा। मैं स्थापित को किए हुए धर्म की पालना करवाता हूँ, विष्णु जी के द्वारा। ये स्पष्ट है, लेकिन ये भगवान ही बताता है। एक और बात भी है, जो क्रम है, ऑर्डर है, वो क्या है? तो बोलने में तो आता है स्थापना पालना विनाश, आमतौर पर लोग कहते हैं ये स्थापना पालना विनाश, ब्रह्मा विष्णु शंकर। लेकिन भगवान खुद आके बताता है, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है कि विनाश पहले हुआ या स्थापना पहले हुई। तो नेचुरली स्थापना पहले हुई, क्योंकि नई चीज़ की आप नया मकान बना रहे हैं, स्थापना पहले करेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? पालना शुरू कर देंगे या विनाश करेंगे? तो भगवान कहता है पुराने मकान में, पुरानी दुनिया में बैठे हैं, नई दुनिया अपने लिए भी, हम पुरानी दुनिया कलयुग में हैं, हमने सतयुग में जाना है। तो पहले तो हम सतयुग की धारणाएं करेंगे, भगवान कहता है गीता सुना करके, यानी गीता पहले हुई या महाभारत पहले हुई, विनाश पहले हुई, ये क्वेश्चन है। और फिर पालना किसकी हुई? तो क्या पुराने की ही भगवान पालना करेगा? नहीं। तो नया स्थापित करेगा, नया स्थापित करने के बाद पुराना विनाश करेगा, फिर नए की पालना वहां जाके रहेगा, सिस्टम है ना। तो भगवान ये भी कहता है कि इससे भी बहुत कंफ्यूजन हुआ, परले आ गई, सब खत्म हो गया, तो फिर नया कहाँ गया? जो बनाया था वो कहाँ गया? यूं भी कहते हैं कि जी सारे महाभारत हुआ, सब खत्म हो गए बस। अच्छा, वो उसने जो स्थापना की थी या उसकी प्रारब्ध कहाँ गई? हम अब ये तो द्वापर में कहते हैं, तो मोटे रूप से कह देते हैं कि द्वापर के बाद कलयुग स्थापित किया। हम कलयुग के अंत में भी देख ले कि कलयुग के अंत में प्रलय हो गई, तो फिर वो कहाँ गई स्थापना? इसलिए भगवान कहते हैं कि ये क्रम भी मैं ही बताता हूँ, और उन्हीं की समझ में आता है जिन्होंने पालना वाली दुनिया में जाना है। बाकियों की समझ, क्योंकि उन्होंने तो उस दुनिया को देखना ही नहीं। तो जो प्रायः जनरली एक्सेप्टेड चीज है कि प्रलय हो गई, खत्म हो गया, वो इसलिए है कि मेजोरिटी आत्मा है,
मेजोरिटी क्या, वास्ट मेजोरिटी, थोड़े से कुटुंब में कोई को छोड़कर वो सचमुच ही विनाश के बाद आत्मा परम धाम में चली जाती, उनको पता ही नहीं आगे क्या होता और दो युग का पता नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं इस कंफ्यूजन का ये भी कारण है। बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, वक्त को देखते हुए यहाँ पर विराम लेना चाहेंगे, मगर जो बातें आज सुनी हैं मैं समझता हूँ हम सब के लिए कुछ नए विजडम और नए इनसाइट्स को लेकर आए हैं। उन इनसाइट्स को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर अगली कड़ी में फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, परमात्मा एक है तो उनका नाम भी एक है, उनके कर्तव्य के बारे में भी हम सबको एक ही समझ होनी चाहिए और इसी समझ को परमात्मा देते भी हैं कि परमात्मा पतित पावन है, वो पतितों को पावन बनाने का काम करते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी स्पष्टता से बताते हैं। अगर हम इन विषयों पर गहराई से चिंतन नहीं करें, एक स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखें, तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जो आज हमारे आसपास देखने को मिलता है। ऐसे में परमात्मा के सत्य परिचय को जानना, उसके सही कर्तव्य को पहचानना, ये भी आवश्यक है। आज की कड़ी में बस इतना ही, अगली कड़ी में कुछ और रोचक विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।